चिरंजीवी पत्रकार यूनियन की बैठक में पत्रकारिता की दशा दिशा विमर्श और विमर्श पर पत्रकारिता का भविष्य उज्ज्वल डॉक्टर वीके वर्मा। बुधवार को चिरंजीवी पत्रकार यूनियन बस्ती की बैठक अध्यक्ष डॉक्टर वीके वर्मा की अध्यक्षता में प्रेस क्लब सभागार में संपन्न हुई। बैठक में पत्रकारों की समस्या और उसके निराकरण की दिशा में प्रभावी पहल पर विचार किया। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश गौड़ ने कहा कि संगठन द्वारा राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पत्रकारों के हितों के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। कहा कि परस्पर एकजुटता से ही समस्याओं का समाधान निकलेगा। बैठक में प्रेस क्लब अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने कहा कि पत्रकारिता संक्रमण काल से गुजर रही है। चौतरफा अविश्वास के बीच विश्वास का संकट उठ खड़ा हुआ है। इन विषम परिस्थितियों में हमें अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना होगा। वरिष्ठ साहित्यकार कवि डॉक्टर रामाकृष्ण लाल जगमग ने बैठक का संचालन करते हुए कहा, पत्रकारिता साहित्य से निकली एक त्वरित विद्या है। नई पीढ़ी अध्ययन पर भी जोर दे, निराशा के बादल छटेंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं विस्तार से। बैठक में मुख्य रूप से कपीश मिश्र, राकेश त्रिपाठी, महेश त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। पत्रकार उत्तर प्रदेश यूनियन शाखा बस्ती की आज बैठक हुई, इस मासिक बैठक में क्या निर्णय? देखिए, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तर प्रदेश की बस्ती शाखा की जो बैठक हुई है, इसमें हम लोगों ने यह तय किया है कि कोई भी पत्रकार हो, किसी भी संगठन के हों, प्रेस क्लब के हों या और अन्य तमाम प्रेस के संगठन चल रहे हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए हम लोग हमेशा काम करेंगे और उनके सुख दुख में हमेशा भाग लेंगे। और उनकी जो भी ज़रूरत हो वो हमको सूचना केवल मिलना चाहिए, जिस तरह से हो, चाहे हमारे नंबर पर, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नंबर पर या महामंत्री की जी के नंबर पे, कहीं भी सूचना मिल जाएगा तो हम लोग जो भी हमसे बन पड़ेगा, चाहे शासन प्रशासन की हो, चाहे सामाजिक हो, जो भी होगा हम लोग पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे हर स्तर से। और सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन भी हम करते हैं, इसे जुड़े और जुड़ने के बाद ही जो समस्याएं हो वो बताने का कष्ट करें, जब समस्याएं आएगी तभी हम लोग उसका कुछ हल निराकरण कर सकते हैं। जी सर, आज पत्रकारिता इसके पीछे कहीं ना कहीं हम पत्रकार थे, तो ऐसे में क्या किया जाए, आपकी क्या हो रहा है? देखिए, आज के जो युग चल रहा पत्रकारों के साथ, जैसे पोर्टल हैं, यूट्यूबर हैं और कुछ फेसबुक के जो राइटर हैं, ये लोग भी अपने आप को पत्रकार ही मान रहे हैं, पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा, समाज भी उनको पत्रकार ही मान रही है, बाकी जो पत्रकार मेन बैंक में काम कर रहे हैं उनके साथ समस्या पैदा हो गई, क्योंकि वो इतने एक्टिव नहीं, उनका काम है खाली लिखना पड़ना, तो वो अपने घर से लिखते हैं या जब कभी कोई बड़ी कार्यक्रम होता है उसमें इन्वॉल्व खाली होते हैं। लेकिन जो यूट्यूबर हैं या फेसबुक वाले हैं या आपके न्यूज पोर्टल वाले हैं, ये लोग इतना मतलब गंदगी मचा रखे हैं कि वो हर जगह हर मिनट में पहुँच जाते हैं, क्योंकि दिन भर वो चलते रहते हैं। उनका एक ही काम है कि यहाँ पहुँचना, वहाँ पहुँचना, 10 रुपया 5 रुपये का धनोवन करना, उनका 100 रुपया 500 रुपये का रोज की एक टारगेट बना के चलते हैं कि हमको ये करके चलना है। ये सबसे बड़ी विकट समस्या है, जो एक्चुअल में जो पत्रकार हैं, जो चाहे मानता प्राप्त पत्रकार हों, चाहे सीनियर जर्नलिस्ट हों, जो भी लोग हैं, उनके साथ अपनी इमेज बनाने के लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा। तो आज के पत्रकारों, इसीलिए यूनियन भी बहुत परेशान हो गई है, क्योंकि ये सबसे बड़ी घटनाएं जो घट रही है वो यूट्यूबर और फेसबुक का और इन लोगों के साथ हो रही है। अच्छा, यूनियन के पास सबसे बड़ी समस्या है, यूनियन के पास लेके पहुंच जाते लोग, और यूनियन के पास ये होता है कि हम कैसे उनको प्रोटेस्ट करें, सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन आप पत्रकार रूप में हैं इसलिए हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हम उनको बता देते हैं भाई कि मैं आपको अंतिम तक आपके साथ नहीं लड़ सकता, क्योंकि आपके पास वो पावर नहीं है जो आपके साथ सपोर्ट कर सके आपको, लेकिन प्रथम दृष्टा आपको मैं सपोर्ट करूंगा जितना कर पाऊंगा। तो इसलिए अभी तो पत्रकारिता में तो पत्रकार जो उसकी समस्याएं तो बहुत विकट हैं, और संघर्ष पत्रकारिता जो एक्चुअल पत्रकार हैं बहुत संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए यूनियन को भी एक्टिव होना पड़ेगा। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे पत्रकारों को ही अपने यूनियन में शामिल करें, ऐसे लोगों के साथ खड़े हों जो हमारे एक्चुअल पत्रकार हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिसको पत्रकारिता जो करना चाहता है, पेशे से पत्रकारिता कर रहा है, उसके साथ हम लोग खड़े रहें।